मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत भाजपा ने चलाया सेवा महाअभियान। पावटा, मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल के गौरवमयी 2 साल पूर्ण होने पर आज राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर देहात उत्तर जिला अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा, जिला संगठन प्रभारी सतवीर यादव, विराटनगर पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद मिंडा के निर्देशानुसार सेवा कार्यों के तहत केंद्र की मोदी सरकार की दूसरी पारी के 2 साल पूरे होने पर रविवार को सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में व भाजपा पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा की अध्यक्षता में प्रत्येक पंचायत स्तर पर शक्ति केंद्र प्रभारियों द्वारा व उस ग्राम पंचायत के मंडल व मोर्चे के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, कोविड वार्ड प्रभारी डॉक्टर संतोष वर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक अशोक जाट को पावटा सीएससी मेडिकल स्टाफ के लिए 30 पीपीई किट, 70 सैनिटाइजर बोतल, 750 मास्क एंड 75 मास्क सौंपे। वहीं प्रागपुरा मंडल अध्यक्ष जयराम सिंह शेखावत के नेतृत्व में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया व प्रागपुरा हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण किए गए। प्रागपुरा मंडल महामंत्री मुखराम धनखड़ ने बताया कि प्रागपुरा मंडल के सभी शक्ति केंद्रों पर मास्क एवं सैनिटाइजर व आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। प्रागपुरा हॉस्पिटल में मरीजों को फल वितरण किए गए। वहीं इस दौरान सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि अभी कोरोना गया नहीं है, अपने घर पर रहिए, बेहद आवश्यक होने पर ही मास्क के साथ बाहर निकलिए, सोशल डिस्टेंस की पालना कीजिए। अगर हम मिलकर इसकी पालना करेंगे तो आने वाले दिनों में निस्संदेह कोरोना को मात देने में हम सफल होंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद मिंडा ने कहा कि हम सबको मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी है व उसे हराना है। सफाई, स्वास्थ्य व पुलिस कर्मियों के साथ आम नागरिकों को भी जागरूक होकर इस कोरोना रूपी वैश्विक दुश्मन को परास्त करना है। उन्होंने लोगों को नियमित रूप से मास्क लगाने, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलने का आग्रह भी किया है।